चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल रविश पर। तो यहाँ पे दोस्तों सैमसंग अपना एक और नया बजट स्मार्टफोन काफी जल्दी इंडिया में लॉन्च करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी A13 स्मार्टफोन की। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दो स्मार्टफोन आने वाले हैं, सैमसंग गैलेक्सी A13 4G स्मार्टफोन एंड सैमसंग गैलेक्सी A13 5G स्मार्टफोन। जैसे आपको सैमसंग गैलेक्सी A22 सीरीज में दो स्मार्टफोन देखने को मिले हैं 4G एंड 5G, वैसे ही आपको इस बार सैमसंग गैलेक्सी A13 सीरीज में भी दो स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं। वीडियो में आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस बताने वाला हूँ, जो लिक्स के अकॉर्डिंग हमें पता चले हैं कि इन स्मार्टफोन में आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A13 5G स्मार्टफोन की। तो फटाफट से इसी वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बट वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, बेल आइकन को जाके भी ऑल पे कर सकते हो ताकि फ्यूचर में आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे जैसे हम दोस्तों नई वीडियो को अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की इसी वीडियो को। यहाँ पे दोस्तों अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिजाइन की बात करें, जो सैमसंग गैलेक्सी A13 5G स्मार्टफोन होने वाला है, अंदर आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलने वाली है पीछे की तरफ, ग्लोसी यहाँ पे डिजाइन होने वाला है। हाँ, यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी A12 था उसके अंदर आपको यहाँ पे एक मैट फिनिश देखने को मिलती थी, बट इसके अंदर अब आपको यहाँ पे ग्लोसी फिनिश देखने को मिलने वाली है। ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है जो काफी ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। फ्रंट साइड पे आपको यहाँ पे वाटर ड्रॉप नोच के साथ में जो वी डिस्प्ले होती है बेसिकली सैमसंग की, वो देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पे सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। बेजल्स वगैरह थोड़े से ज्यादा होंगे ही नीचे की तरफ। बाकी हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें इसी फोन की डिस्प्ले की, यहाँ पे आपको इस बार 6.48 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है जो यहाँ पे फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ में आएगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक IPS LCD डिस्प्ले होने वाली है। हाँ, यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले सैमसंग नहीं प्रोवाइड की, इसके अंदर आपको यहाँ पे HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, साइड मोड और फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा जो यहाँ पे 5G वाला स्मार्टफोन होने वाला है। हाँ, जो 4G वेरिएंट होगा उसके अंदर आपको यहाँ पे हो सकता है कि सैमसंग सुपर एमोलेड डिस्प्ले डाल दे, बट यहाँ पे मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी या नहीं, तो ये बात यहाँ पे देखने वाली हो जाती है। अगर हम इसी फोन के प्रोसेसर की बात करें, यहाँ पे आपको दोस्तों MediaTek का Dimensity 700 चिपसेट देखने को मिलने वाला है जो यहाँ पे 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे आता है। Mali-G57 GPU का यूज हुआ है जो यहाँ पे काफी अच्छा GPU माना जाता है यहाँ पे। हाँ, अगर आपने गेमिंग वगैरह करनी है तो काफी अच्छे से आप कर पाओगे इसी स्मार्टफोन के अंदर, जो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A13 5G स्मार्टफोन होने वाला है जिसके अंदर आपको यहाँ पे Dimensity 700 चिपसेट देखने को मिलेगा। बाकी हाँ, 4G वाले वेरियंट के लिए अभी कोई भी लीक नहीं है कि उसके अंदर आपको यहाँ पे कौन सा यहाँ पे प्रोसेसर डालने वाले हैं सैमसंग वाले। यहाँ पे अगर हम बात करें इन फोन की बैटरी की, यहाँ पे आपको दोस्तों 5000mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है जो यहाँ पे 25W को सपोर्ट करेगी, बट नहीं दोस्तों, यहाँ पे इंडिया में तो आपको यहाँ पे 15W का ही फास्ट चार्जर देखने को मिलने वाला है आउट ऑफ द बॉक्स। ये तो मुझे सैमसंग पे विश्वास है पूरा। बाकी यहाँ पे और भी अच्छी स्पेसिफिकेशन होगी, 3.5mm हेडफोन जैक होगा, यहाँ पे आपको टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलेगा, माइक्रो USB नहीं, आपको यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलने वाला है इस बार। और यहाँ पे आपको नीचे की साइड स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगी, बॉटम फायर स्पीकर देखने को मिलेंगे जो अच्छी बात हो जाती है। साइड पे आपको यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन बटन देखने को मिलेगा, ठीक उसी के नीचे आपको यहाँ पे पावर बटन देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, फेस अनलॉक भी आपको देखने को मिल जाएगा इसी स्मार्टफोन के अंदर। अगर हम यहाँ पे इसी स्मार्टफोन के UI की बात करें, यहाँ पे आपको One UI 3.1 देखने को मिलने वाला है जो यहाँ पे Android 11 पे बेस्ड है। काफी अच्छा UI है, जो सैमसंग का One UI होता है वो काफी हद तक ऑप्टिमाइज होता है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे काफी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा इसी स्मार्टफोन के अंदर। यहाँ पे अगर हम कैमरास की बात करें, यहाँ पे आपको ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे मेन कैमरा होगा उसके अंदर यहाँ पे आपको 50MP का कैमरा देखने को मिलेगा, 5MP के साथ में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा और यहाँ पे 2MP का डेप्थ कैमरा होगा। अगर हम यहाँ पे सेल्फी कैमरा की बात करें, यहाँ पे आपको 8MP की सेल्फी देखने को मिलने वाली है जो यहाँ पे काफी अच्छी बात हो जाती है कि इसके अंदर आपको यहाँ पे 8MP की सेल्फी और 50MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा जिसकी वजह से आपकी फोटोज और वीडियोस काफी ज्यादा अच्छी आने वाली है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें इसी फोन की यहाँ पे प्राइस और वेरिएंट्स की, बताया जा रहा है कि ये फोन 3 वेरिएंट्स में आने वाला है, 4GB RAM 64GB 6GB RAM 128GB और यहाँ पे 8GB RAM 128GB, पर मुझे लगता है इंडिया के अंदर आपको 2 ही वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, 4GB RAM 64GB एंड 6GB RAM 128GB। जी हाँ दोस्तों, अगर हम प्राइस की बात करें, यहाँ पे लिस्ट के अकॉर्डिंगली बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको $250 का ये स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। अगर हम इंडिया में कन्वर्ट करें तो अराउंड आपको यहाँ पे 18,500 के करीब देखने को मिलेगा। जो इसी का 6GB RAM 128GB वाला वेरिएंट इस प्राइस रेंज
रेंज पे आ जाता है तो काफी अच्छा होने वाला है। अगर यहाँ पे 4GB रैम 64GB आपको 18,000 का देखने को मिलेगा तो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे सैमसंग क्या प्राइसिंग प्रोवाइड करता है, कौन कौन से वेरियंट्स प्रोवाइड करता है। और अगर हम नोट शेयर की बात करें तो यहाँ पे लीक्स के अकॉर्डिंगली हमें बताया जा रहा है कि जो सैमसंग गैलेक्सी A13 4G स्मार्टफोन है उसकी तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन है वो सैमसंग ने स्टार्ट कर भी दी है। जो यहाँ पे ग्रेटर नोएडा के अंदर फैक्ट्री है इंडिया में, उसमें सैमसंग गैलेक्सी A13 4G स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट भी हो चुकी है। जो हमें सीधा सीधा बताती है कि जो सैमसंग गैलेक्सी A13 4G स्मार्टफोन है उसकी यहाँ पे जो लॉन्च है वो काफी जल्दी होने वाली है इंडिया के अंदर। बाकी हाँ, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें ग्लोबली तो वहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी A13 5G स्मार्टफोन पहले देखने को मिल सकता है, जो मतलब हो सकता है कि इंडिया के अंदर सैमसंग गैलेक्सी A13 4G स्मार्टफोन सैमसंग वाले पहले लॉन्च करें, उसके बाद थोड़े टाइम बाद आपको यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A13 5G स्मार्टफोन भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन वगैरह होती है वो तो हमें इन्होंने क्रॉस कर ही ली है। यहाँ पे जो FCC सर्टिफिकेशन होती है, ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन होती है, Geekbench डाटाबेस होता है, सर्टिफिकेशन यहाँ पे पूरी हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें पता लग जाता है कि ये जो दोनों स्मार्टफोन हैं वो काफी जल्दी ग्लोबली लॉन्च होने वाले हैं, इंडिया के अंदर भी लॉन्च हो जाएंगे काफी जल्दी। तो ये स्मार्टफोन का पूरा हमें वेट रहेगा, जो ये सैमसंग का चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन होने वाला है। यहाँ पे सैमसंग कब तक लॉन्च करता है, होपफुली ये दिसंबर के एंड तक या जनवरी की स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी हाँ दोस्तों, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको यहाँ पे ये दोनों स्मार्टफोन कैसे लगे, इसी के स्पेसिफिकेशन और प्राइस के अकॉर्डिंगली। और हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसी वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए हमारे चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।